हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो या कुछ और, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड नहीं मगर बदनाम होने में यकीन रखते हैं और बदनाम होकर ही नाम कमाते हैं। गवर्नेंस या एक्टिंग उनसे तो कोसों दूर रहती है। हेलो जी, मुझे आरजे शाहनवाज कहते हैं, इंडिया का वो ब्लाइंड रेडियो जॉक जो पहली बार प्राइवेट एफएम इंडस्ट्री में काम कर रहा है। 20 अप्रैल 1972 को यारी रोड मुंबई, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन फैमिली में ममता कुलकर्णी पैदा हुई। माँ चाहती थी कि बेटी हीरोइन बने, हीरोइन मटेरियल बचपन से ही थी, तो माँ की ख्वाहिशों का ध्यान रखते हुए ममता ने साउथ इंडिया से शुरुआत करी और तमिल की फिल्म आते ही ममता के फैंस हो गए, टैटूज बनवाने लगे और ममता की अगर माने तो मंदिर भी बनवाने वाले थे। मगर ममता आ गई बॉम्बे यानी मुंबई। यहाँ आने के बाद तिरंगा में काम मिला मगर राजकुमार और नाना पाटेकर ने सारा क्रेडिट हजम कर लिया, ममता को किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर फिल्म आई आशिक आवारा मगर सैफ अली खान को ही सारा क्रेडिट गया और कई फिल्में आई और ममता को मन चाहा न शोहरत मिला और न ही दौलत। ममता थी ऐसे ही किसी जुगाड़ में कि बस मुफ्त की पब्लिसिटी मिले और वो छा जाए इंडस्ट्री। उन्हीं दिनों एक जयेश सेठ करके फोटोग्राफर हुआ करते थे, वो स्टारडस्ट के लिए एक ऐसी टॉप हीरोइन ढूंढ रहे थे जो टॉपलेस होकर शूट करवाए, निर्वस्त्र। और वो पहुंचे माधुरी के पास, माधुरी ने ऐसी आंखें दिखाई कि जयेश सेठ 9-2-11 हो गए। जूही के पास जब पहुंचे सेठ जी, जूही ने बस झाड़ू नहीं उठाया, सारी बेइज्जती कर दी, कई हीरोइंस से बात कर, मगर किसी ने नहीं सोचा कि टॉपलेस शूट करवाना चाहिए। किसी ने कहा कि ममता के पास जा, नई नई लड़की है, बड़ी खूबसूरत है। ममता के पास गए जयेश सेठ स्टारडस्ट के लिए। ममता को इस टॉपलेस शूट में बहुत सारी शोहरत नजर आ रही थी, सो ममता ने हामी भर दी, टॉपलेस शूट करवाया और अपने आप को दोनों हाथों से और टांगों से छुपा लिया। सितंबर ईयर 1993 में स्टारडस्ट में छपी ममता की ये टॉपलेस तस्वीर, जिसको देखने के लिए लूट मच गई। और दूसरी तरफ समाज के नैतिक ठेकेदारों ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, महिला संगठनों ने हाय हाय के नारे लगाए और ममता को लेकर अदालत में भी घसीटा गया। और इधर ममता जैसे ही बदनाम हुई, देवानंद, राकेश रोशन, हरमेश मल्होत्रा, इकबाल दुर्रानी, अजीज सेजवाल के साथ राजकुमार संतोषी ने पहली फुर्सत में ममता को अपनी फिल्म में काम दे दिया। अब ममता अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान, सुनील शेट्टी सबके साथ टॉप हीरोइन की तरह आ गई। उधर अदालत में केस चल रहा था, जज साहब ने फैसला सुनाया कि ममता आपको 15,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा अश्लीलता फैलाने के लिए, और आइंदा ध्यान रहे ये टॉपलेस शूट नहीं मांगता। ममता ने 15,000 में इतनी बदनामी और शोहरत एक साथ ही बटोर ली। ममता की फिल्मों की बात करें तो सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन, क्रांतिवीर, करण अर्जुन और वक्त हमारा है आई। इसके बाद तो ममता हीरोज के लिए भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रही थी। डरते थे बेचारे हीरो कि कहीं ममता ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हमारी तो गई। चाइना गेट में राजकुमार संतोषी ने ममता को साइन किया। इससे पहले घातक में एक आइटम सॉन्ग दिया था, कोई आए तो ले जाए। इस फिल्म के बाद राजकुमार संतोषी और ममता चाइना गेट में आ रहे थे, मगर न जाने ऐसा क्या हुआ कि संतोषी जी ने कहा कि ममता नहीं चाहिए। ममता ने न जाने ऐसा कौन सा जैक लगाया, लोग कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का था, कि संतोषी जी ममता को निकाल ही नहीं पाए। इसी फिल्म के एक्शन मास्टर थे टीनू वर्मा, वर्मा जी शादीशुदा थे, ममता जी दोनों मिलकर मोहब्बत के आसमान में इश्क के सितारे उगाने लगे। एक रोज गजब हो गया
जब वर्मा जी की वाइफ ने रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर तो विवाद और शुरू हुआ। 2001 में ममता कुलकर्णी अचानक गायब हो गई, वैसे ही जैसे सर पे उगे हुए बाल गायब होते हों। 2016 में ममता फिर अवतरित हुई मुंबासा केन्या में, जहां उन्होंने एबीपी को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। कहा कभी हीरोइन नहीं चाहती थी बनना, कभी टॉपलेस भी शूट करना नहीं चाहती थी, वो समय तो मैं बच्ची थी, मुझे नहीं समझता था, मैं तो शूट पे भी जाती थी तो मेरी कंटेम्प्रेरीज के बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, पब्स में जाती थी, पीती थी, मगर मैं पूजा की एक अलग बैग रखती थी, मैं तब से ही आध्यात्मिक हूँ। इंटरव्यूवी ने पूछा तो फिर विक्की गोस्वामी से शादी और दुबई से छूटने का रहस्य बताइए। ममता ने कहा कि मैंने शादी नहीं की, ना मैं आयशा बेगम बनी, ना विक्की गोस्वामी यूसुफ अहमद, वैसे मेरे लिए सारे धर्म एक समान है, और गोलमोल जवाब देकर आगे बढ़ गई। ममता ने यह भी कहा कि पुलिस ने मुझे फंसाया है, यदि वे सत्य के साथ होंगे तो ही मुझे साबित कर पाएंगे, मैं तो हमेशा सत्य के साथ हूँ, मैं निर्मोहिनी हो चुकी हूँ, मैं योगिनी हो चुकी हूँ, संसार का मोह मुझ में नहीं है, किसी प्रकार की काम वासना भी मेरे मन में नहीं है, मैंने किसी पराये पुरुष को स्पर्श करने नहीं दिया। ममता की वाणी सुनकर लगा कि जैसे किसी भक्ति चैनल में बैठे हो, आप भी इंटरव्यू देख सकते हैं। और ममता कुलकर्णी अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर तब से लेकर अब तक चर्चा में ही है, और आए दिनों कभी न कभी उनकी चर्चा हो ही जाती। वो तो वो भी कहती हैं कि 10 साल जो मैंने इंडस्ट्री को दिए वो भी व्यर्थ थे। बहरहाल शकील आजमी का वो शेर है ना, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। अब तो शोहरत का बदनामी से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। मैं किसी विशेष के लिए नहीं, ये कॉमन बात कह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो मज़ेदार लगा है तो औरों से भी शेयर कीजिए ममता की ये कहानी, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ममता पे पिक्चराइज कौन सा गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, भोली भाली लड़की, कोई आए तो ले जाए, या भरो मांग मेरी भरो, या फिर एक मुंडा मेरी उम्र दा। अगले वीडियो के इंतजार में रहिए, मैं भी तैयारी करता हूँ वीडियो की। अपना ख्याल रखें एंड कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।